नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरमन शंकर। पहला पेश ने चोणवीं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भलके मुख सकत्तरां दी दूजी राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की प्रधानगी करनगे। केंद्रीय मंत्री जतेंद्र सिंह अज मोहाली विच जीनोम एडिटिंग अते ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन करनगे। पंजाब सरकार वालों इतिहासक शहर अमृतसर नूं देश दे अत आधुनिक शहर वजों विकसित करन दी योजना। भारत अते श्रीलंका विचाले तीन T20 मैचों की लड़ी का दूजा मैच अज पुणे विच। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भलके नवी दिल्ली विच देश दे सारे ही सूबियां दे मुख सकत्तरां दी दूजी राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की प्रधानगी करनगे। ये केंद्र ते राज सरकारां दरम्यान भाईवाली नूं होर हुलारा देण वल एक होर महत्वपूर्ण कदम होवेगा। मुख सकत्तरां दी अजिही पहली कॉन्फ्रेंस पिछले साल जून विच हिमाचल प्रदेश दे शहर धर्मशाला विच होई सी। अज तों शुरू होण वाली मुख सकत्तरां दी इह तीन रोज़ा कॉन्फ्रेंस केंद्र अते देश दे सूबियां विचाले विकास अते होर मुद्दियां ते सांझेदारी नूं मजबूत करन अते निरंतर आर्थिक विकास नूं प्राप्त करन ते ध्यान केंद्रित करेगी। कॉन्फ्रेंस दौरान सूखम, लघु अते दरम्याने उद्यमां, बुनियादी ढांचे, सरमाएकारी, महिला शक्तिकरण, सेहत संभाल ते पोषण अते हुनर विकास समेत कई होर विषयां ते चर्चा कीते जाण दी संभावना है। केंद्रीय सिक्ख्या ते हुनर विकास अते उद्यमता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सारे ही केंद्रीय मंत्रालयों नूं कहा है कि वह हुनर विकास योजनावां विच वध तों वध तालमेल पैदा करन। नवीं दिल्ली विच राष्ट्रीय हुनर विकास मिशन की स्टीयरिंग कमेटी की तीजी मीटिंग की प्रधानगी करदिआं उन्होंने कहा कि हुनर विकास योजनावां ते वध तों वध खर्चा किया जाना चाहिए है तां जो हुनर कौशल नूं होर उत्साहित किया जा सके। उन्होंने हुनर विकास योजनावां हुनर अंतर विश्लेषण अते हुनर मैपिंग दे नाल नाल देश दे नौजवानों नूं ग्लोबल मौकियां नाल जोड़न अते उभर रहे रुझानों नूं दर्शाउण लई पाठक्रम विकसित करन दी जरूरत ते भी जोर दिता। मीटिंग विच हुनर विकास उपरालियां विच यतनां विच होई प्रगति अते भविख दी रूपरेखा बारे चर्चा भी की गई। मीटिंग विच हुनर विकास अते उद्यमता राज मंत्री राजीव चंद्र शेखर अते मंत्रालय दे कई सीनियर अधिकारी भी मौजूद सन। केंद्रीय सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर अज एक दिन दे दौरे ते सवेरे गुवाहाटी पुजे। गुवाहाटी पुजन ते हवाई अड्डे ते उन्हां दा निघा स्वागत किया गया। अनुराग सिंह ठाकुर अधिकारियों नाल एक समीक्षा मीटिंग करनगे जिस विच IIT गुवाहाटी विखे होण वाले Y20 समागम दीआं तैयारियां दा जायजा लिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री Y20 समागमां दीआं तैयारियां बारे असाम सरकार दे अधिकारियों नाल भी एक मीटिंग करनगे। केंद्रीय विज्ञान ते तकनोलॉजी राज मंत्री डॉक्टर जतेंद्र सिंह अज मोहाली विच नैशनल जीनोम एडिटिंग अते ट्रेनिंग सेंटर NGETC अते इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी 2023 का उद्घाटन करनगे। इस कॉन्फ्रेंस विच हिस्सा लैण लई देश दे वख-वख हिस्सों तो 500 तो वध प्रतिभागियों ने अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई है अते 4 दिनों तक चलण वाली इस कॉन्फ्रेंस विच 80 राष्ट्रीय अते अंतरराष्ट्रीय बुलारे अपना विज्ञानक ज्ञान साझा करनगे। NGETC एक छत वाली अते आधुनिक सुविधा है जो वक्त जीनोम एडिटिंग ढंग तरीकों अपनाउण अते खेतरी जरूरतों पूरा करन लई एक राष्ट्रीय मंच वजों काम करेगी। इस विच CRISPR-CAS लड़ी वाली जीनोम सोध भी शामिल है। मौजूदा जलवायु हालात विच बदलते वातावरण की स्थिति के चलदियां बेहतर पोषण अते सहनशीलता लई फसलों विच सुधार लियाउणा एक वड्डी चुनौती है। भारत अते फ्रांस विचाले 36वां रणनीतक संवाद अज नवी दिल्ली विच होवेगा। दोहां देशां वल्लों इस संवाद दौरान दुवल्ले खेतरी अते विश्व पद्धरी मुद्दियां ते चर्चा की जाएगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, भारतीय वफद अते फ्रांस दे राष्ट्रपति दे कूटनीतक सलाहकार ईमैनुअल बोन फ्रांस दे वफद की अगवाई करनगे। बोन भारत दे होर अधिकारियों नाल भी गलबात करनगे। दोहां देशां विचाले पिछला संवाद पैरिस विच नवंबर 2011 विच होया सी। पंजाब सरकार ने धार्मिक अते इतिहासिक महत्ता वाले अमृतसर शहर नूं देश दा अत आधुनिक शहर बनाउण लई कई योजनावां उलीकियां ने। सूबे दे शहरी विकास ते हाउसिंग मंत्री अमन अरोड़ा ने दस्सिया कि इन्हां योजनावां नूं छेती ही अमल विच लिआंदा जाएगा।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਲੈ ਕੇ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ। बसंत ऋतु यूथ क्लब त्रिपड़ी ने नहरू युवा केंद्र अते जागदे रहो यूथ क्लब के सहयोग नाल पटियाला दे गुरु तेग बहादुर अखां दे अस्पताल विच अखां दे ऑपरेशन संबंधी एक कैंप लगाया। बसंत ऋतु यूथ क्लब दे राजेश शर्मा ने दस्या कि इस कैंप दौरान 13 जरूरतमंदा दे अखां दे मोतियां बिंद दे ऑपरेशन कीते गए, जबकि 70 तों वध होरना व्यक्तियां दी अखां दी जांच कीती गई। इस कैंप दा लाभ लैण वालियां ने यह कैंप लगाउण लई संस्था दा धन्नवाद कीता। गुरु तेग बहादुर अस्पताल के डॉक्टर आशा प्रीतपाल कौर ने कहा कि अजिहे कैंपा नाल जरूरतमंदा नूं काफ़ी लाभ मिलता है। बहुत जी तह दिलों धन्नवाद है कि इन्ने मरीजों की उन्होंने जिहड़ी कैटरैक्ट सर्जरी है स्पोंसर की है, इन्ने गरीब परिवारों की जिहड़ी सहायता की है, तो सानू उन्होंने अपना मीडियम बनाया आ, तो इसलिए भी असीं उन्हां दा बहुत बहुत धन्नवाद करते हैं। ये सारे ऑपरेशन सक्सैसफुल होए ने, फेको मल्सीफिकेशन टैक्नीक दे नाल होए ने। भारत अते श्रीलंका विचाले 3 T20 मैचों की लड़ी का दूजा मैच अज पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसीएशन स्टेडियम विच खेडिया जाएगा। इस तो पहला भारत ने मुंबई विच खेडिया गया पहला T20 मैच श्रीलंका नूं एक रोमांचक मुकाबले विच 2 दौड़ां नाल हरा के जित लिया सी। इस तरह भारत इस लड़ी विच 1-0 नाल अगे। अज खेडिया जाण वाला मैच शाम 7 बजे शुरू होवेगा। पंजाब समेत उत्तरी भारत के ज़्यादातर हिस्सों में संघनी धुंद ते सीत लहर ने आम जनजीवन नूं बुरी तरह प्रभावित किया है। अज सवेर तो ही पंजाब के तकरीबन सारे ही शहरों ते पिंडां विच संघनी धुंद कारण रोशनी बहुत घट सी अते सड़कां ते गड्डियां भी कीड़ी की चाल चल रही सन। धुंद कारण सड़की, रेल अते हवाई आवाजाई भी प्रभावित हुई है। भारतीय मौसम विभाग ने उत्तर पछमी भारत में अगले 3 तों 4 दिनों दौरान संघनी धुंद पैण अते तेज़ ठंडियां हवावां चलण की पिशेनगोई की है। इस दौरान संघनी धुंद अते सीत लहर ने पंजाब अते हरियाणा विच कड़ाके दी ठंड का जोर होर वधा दिता है। सीत लहर चलण कारण पंजाब के कई शहरों का तापमान बहुत हेठां आ गया है। चंडीगढ़ मौसम विभाग के डायरैक्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दसिया कि गुरदासपुर में सब तो घट तापमान 2.3 डिग्री सैलसीयस दर्ज किया गया। 3-4 दिन से जो लगातार पंजाब दे विच धुंद पै रही है, पंजाब दे बहुत सारे इलाके जिथे बहुत संघनी धुंद पै रही है, खास करके जो अपने इलाके हैं जिन्हां विच अमृतसर, तरन तारण और साथ ही जो जलंधर, हुशियारपुर के इलाके हैं, इतने बहुत ज़्यादा संघनी धुंद पै रही है और तापमान भी काफ़ी कम चल रहा है। सब तो कम तापमान जो गुरदासपुर के 2.3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। आने वाले दिन है उन्होंने भी धुंद जारी रहेगी और इन्होंने लिए अपसी ऑरेंज कलर की भी वार्निंग दी हुई है। अगले 2 दिन तक जी धुंद है वो अपने मैनी प्लेसिस रह सकती है, डेंस टू वेरी डेंस जी फॉग है वो मैनी प्लेसिस रहेगी, उस तो बाद जी है धुंद घटेगी। खबरों के बुलेटिन साडे दर्शक RNU DDK जलंधर के यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल से भी देख सकते हैं। बुलेटिन के अखीर में चोणवीं खबर एक बार फिर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भलके मुख सकत्तरां की दूजी राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की प्रधानगी करनगे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह अज मोहाली विच जिनोम एडिटिंग अते ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन करनगे। पंजाब सरकार वालों इतिहासक शहर अमृतसर नूं देश दे अत आधुनिक शहर वजों विकसित करन दी योजना। भारत अते श्रीलंका विचाले 3 T20 मैचों की लड़ी का दूजा मैच अज पुणे विच। इस दे नाल ही खबरां दा बुलेटिन खत्म हुंदा है। इजाजत दिओ, नमस्कार।